वेलकम एवरीवन। आज का पाठ है रक्त और हमारा शरीर। आप सभी को पता है कि रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में अगर रक्त नहीं है तो हमें एनीमिया हो जाता है, थकान महसूस होने लग जाती है, भूख भी कम लगने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता। यही बात इस रक्त की कहानी इस पाठ में बताई है। यहाँ पर दिव्या और अनिल दोनों भाई बहन हैं, तो दिव्या को भूख कम लगती है, उसका काम में मन नहीं लगता, तो अनिल उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। जब डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से कुछ खूने खून की एक शीशी में डाल देती हैं और स्लाइड पर लगा देती हैं और कहती हैं कि कल आकर के रिपोर्ट ले जाना। जब अनिल अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड की जांच कर रही थी, और फिर वह बताती हैं कि दिव्या को अनीमिया है, यानी खून की कमी है। अनिल के मन में कुछ जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, तो वह क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि एनीमिया क्या होता है। तब दीदी बताती हैं कि इसके लिए हमें रक्त के बारे में जानना पड़ेगा, ब्लड की जानकारी लेनी पड़ेगी। तो वह कहती हैं कि यह देखने में लाल रंग के द्रव के समान दिखता है, लेकिन यदि आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यह भानुमति के पिटारे के जैसा दिखाई देगा, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आम तौर की बात करें तो इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग जो तरल होता है, लिक्विड जो होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद कण होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, और इन्हें प्लेटलेट कण कहते हैं, विम्बाणु कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्लेटलेट कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, प्लाज्मा में ये कण तैरते रहते हैं। यहाँ देखो, दिखाया भी है इस चित्र में, आप देख सकते हो, यहाँ ये जो प्लाज्मा है इसमें ये कण तैरते रहते हैं। और यह कहकर के डॉक्टर दीदी जो माइक्रोस्कोप है उसमें एक स्लाइड लगा देती हैं और अनिल को दिखाती हैं कि लाल रक्त कण कैसे होते हैं। ये देखो, आप यहाँ पर दिखाया है इस तरह के जो कण होते हैं वो लाल रक्त कण होते हैं। अनिल ये सारे कण देख करके उसे बहुत अचंभा होता है, उसे लगता है कि बालूशाही जैसा ये दिखाई देता है। तब दीदी बताती हैं कि हाँ, इस तरह की इसकी शेप होती है, जैसे बालूशाही आपने देखी होगी खाने के लिए मिठाई जो होती है, उस तरह की शेप होती है। और एक बूंद में जो इनकी संख्या होती है वो लाखों की संख्या में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रख लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे, और इसके कारण ही हमें ब्लड का कलर कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ये हमारे बॉडी के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन मिलती है वह शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का होता है, और ये लगभग 4 महीने तक जीते हैं। 4 महीने बाद ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके, कुछ एक दिन, अगले दिन, फिर उससे अगले दिन। तो अनिल कहता है कि तब तो कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दीदी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो कण नष्ट हो जाते हैं उसका स्थान नए कण ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा होती है जहाँ पर ये कण बनते हैं, और इनके लिए कारखाने को प्रोटीन चाहिए। खाने में हमें क्या चाहिए, प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे स्प्राउटेड मूंग है, लौह तत्व जैसे बैंगन है, और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यानी हम अच्छा खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो हमारे रेड कण जो हैं वो बनेंगे, और अगर हम हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त अगर ये उपयुक्त मात्रा में लें तो ये लाल रक्त कणिकाओं को बनाने का
काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सही से खाना नहीं खाता है तो इन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिलेगा और लाल कण नहीं बनेंगे। इसी कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है। तो अनिल ने पूछा कि क्या हम अच्छा खाना खाएंगे तो एनीमिया से बच सकते हैं? तब दीदी कहती हैं कि बिल्कुल, कुछ हद तक हम बच सकते हैं। एनीमिया कई कारणों से होता है। सबसे पहला बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा पेट में यदि कीड़े हो जाते हैं तो भी एनीमिया हो जाता है। कीड़े जो होते हैं गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से हमारे शरीर में चला जाता है, और इसलिए हमें बाहर की जो खुले में रखी हुई वस्तु हैं वो नहीं खानी चाहिए। साथ ही हमें खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ भी धो लेना चाहिए और पानी को उबाल करके पिए या बिल्कुल साफ़ सुथरा फिल्टर करके पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। ऊपरी जो सतह होती है ज़मीन की, उसमें भी कुछ कीड़े पाए जाते हैं और वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमारी जो आंत होती है उसमें अपना घर बना लेते हैं। और इसीलिए हमें हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए और नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए। अगर नंगे पैर बाहर जाएंगे तो वो कीड़े चिपक करके हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तब अनिल कहता है, दीदी आपने तो ये बहुत अच्छा बताया। फिर वो बोला कि आपने बताया था कि सफ़ेद कण और प्लेटलेट कण भी होते हैं, वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? तब दीदी बोलती हैं कि सफ़ेद कण हमारे शरीर में वीर सिपाही की तरह होता है और ये जब भी कोई बीमारी आती है तो उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, मुकाबला करता है और घर के भीतर नहीं आने देता। और जो विम्बाणु हैं उनका काम क्या होता है? जब चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बनाने में यह मदद करता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है। रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना देती है और विम्बाणु उस पर चिपक जाते हैं और जिससे हमारी कोई भी चोट वगैरह लग गई तो वहाँ खून आना बंद हो जाता है। तब फिर अनिल कहता है कि अगर घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तब दीदी कहती हैं कि हाँ, ऐसे समय पर जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टांके भी लगवाने हो सकते हैं। अगर डॉक्टर के पास पहुंचने में समय लगता है तो चोट के स्थान को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए और ऐसा करने से क्या होगा, रक्त बहना रुक जाता है और अगर ज़्यादा रक्त नहीं बहेगा तो यह काफ़ी अच्छी चीज़ उसके लिए हो सकती है। अगर बहुत अधिक रक्त बह रहा है तो रक्त को चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ती है, दीदी ने समझाया। तब कहता है कि क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम करेगा? लेकिन दीदी कहती हैं कि सभी का रक्त अलग अलग होता है और इसके गुणों के आधार पर चार भागों में इसे बांटा गया है। जिस व्यक्ति की ज़रूरत होती है खून की, उसका जांच कर लेते हैं और फिर उसे उसी ग्रुप का खून चढ़ाया जाता है। और यदि ज़रूरत के समय हमें उस व्यक्ति के समूह का खून ना मिले, ब्लड ग्रुप का खून ना मिले तो क्या करें? तब ऐसी स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं और ब्लड बैंक में सभी ग्रुप्स के ब्लड हर समय तैयार रहते हैं और यही कारण है कि कुछ लोग रक्तदान करते हैं तो वहाँ पर ब्लड की ज़रूरत जो है वो पूरी होती रहती है। तब अनिल कहता है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तब दीदी कहती हैं, नहीं, तुम अभी छोटे हो, यानी कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ हो, हेल्दी हो,
वह ब्लड को डोनेट कर सकता है। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से हम वीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर दोबारा रक्त को कुछ ही दिनों में बना लेता है। और शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, इसमें से थोड़ा सा यदि किसी को दे दिया जाए और उसके लिए जीवन बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी ने बोला। तब तो कहता है कि मैं बड़ा हूँगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। दीदी से शाबाशी देती हैं। पाठ यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। फिर भी यदि आपके इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यदि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है या इसके प्रश्नोत्तर आपको पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताना, जिससे कि मैं वो चैप्टर आपके लिए प्रिपेयर करके बता सकूं। इसके अलावा मैं आज आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बता देती हूँ। इसके सबके जवाब हम मिल चुके हैं हमें। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पट्टी बांधनी चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। अभी मैंने पीछे पार्ट में बताया था। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है, जब भी कोई रोग आता है तो ये कण लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है, ज़रूरतमंद लोगों को रक्त मिल जाता है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन मिलती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है, तो सफ़ेद कण उसे पहुंच जाते हैं। ये सारे आपके प्रश्न हो गए और ये चैप्टर आपका तैयार हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फिर भी नहीं आता है तो आप पूछ लेना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल बटन को प्रेस भी कर लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।